अस्तित्ववाद हिंदी साहित्य में पश्चिम से आई हुई अवधारणा है, लेकिन इसने हिंदी साहित्य और हिंदी आलोचना को बहुत ही गहराई से प्रभावित किया है। आज हम अस्तित्ववाद का अध्ययन करेंगे और यह मॉडल आंसर भी है। आप किसी भी परीक्षा में इस उत्तर को लिख सकते हैं। अस्तित्ववाद का तात्पर्य क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, अस्तित्ववाद की दो धाराएं कौन कौन सी हैं, मूल विचार बिंदु कौन से हैं और अंत में समाहार या निष्कर्ष। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो यह है अस्तित्ववाद, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म। अस्तित्ववाद को अंग्रेजी में बोलते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, यह मनुष्य के अस्तित्व से संबंध रखता है। आइए इसके पृष्ठभूमि देखते हैं कि इसकी अवधारणा क्या है। अस्तित्ववाद मूल रूप से दर्शन के क्षेत्र का शब्द है। यह दर्शन के क्षेत्र का शब्द है। यह अंग्रेजी के एग्जिस्टेंशियलिज्म का हिंदी पर्याय है। अंग्रेजी में अस्तित्ववाद को कहते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म। अस्तित्ववाद का उन्मेष प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध जिसका समय था 1914 से 1919, उसके बाद इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, जर्मनी से हुई। तदुपरांत उसने फ्रांस और इटली होते हुए एशिया के देशों में भी अपना प्रभाव डाला। जर्मनी में उत्पन्न होने के बाद यह सिद्धांत फ्रांस चला गया, वहां से इटली चला गया और उसके बाद यह एशिया के देशों में भी आ गया। इस सिद्धांत ने साहित्य सृजन तथा आलोचना सिद्धांत को गहराई से प्रभावित किया है। अस्तित्ववाद ने न केवल साहित्य सृजन को बल्कि आलोचना सिद्धांतों को भी गहराई से प्रभावित किया है। वर्तमान विश्व चिंताधारा निर्वैयक्तिक विघटनकारी प्रवृत्तियों की ओर अधिक झुकी हुई है। वर्तमान विश्व की जो विचारधाराएं हैं वह व्यक्ति के विरुद्ध हैं और यह विघटनकारी प्रवृत्तियों को जन्म देती है। व्यक्ति के विकास एवं निर्माण को समाज विभिन्न वर्जनाओं और निषेधों से अवरुद्ध करता है। वास्तव में अस्तित्ववाद का यह मानना है कि व्यक्ति अपना विकास करना चाहता है, उन्नति करना चाहता है, लेकिन जो समाज के बहुत सारे नियम कानून हैं, जो निषेध हैं, जो वर्जनाएं हैं, वह क्या करती हैं, मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास को या फिर वह जीवन में जो उन्नति करना चाहता है उसे वह अवरुद्ध करता है, रोकता है। धर्म और समाज की इन निषेधात्मक प्रवृत्तियों के विरोध में 19वीं सदी में कुछ विद्वानों ने मनुष्य को उसके प्रकृत रूप में स्थापित एवं विकसित होने देने के लिए आवाज उठाई। तो धर्म और समाज व्यक्ति पर जो प्रतिबंध लगा रहे थे, जो निषेध लगा रहे थे, जो वर्जनाएं आरोपित कर रहे थे, उनका विरोध करने के लिए और व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को स्वाभाविक रूप से होने देने के लिए, प्राकृतिक रूप से कोई व्यक्ति अपना विकास करे, उन्नति करे, इसके लिए उसे स्थापित करने और विकसित होने देने के लिए आवाज उठाई। उन्होंने एक ऐसा दार्शनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जो उन तमाम परंपरागत मतवादों का विरोध करता था जो मानवीय सत्ता तथा ह्यूमन एग्जिस्टेंस की उपेक्षा करके मात्र विचारों तथा नैतिक मूल्यों एवं मान्यताओं की स्थापना में संलग्न रहकर प्राचीन परंपराओं का पालन एवं उन्नयन कर रहे थे। तो यह दृष्टिकोण क्या था, इसका दर्शन क्या था अस्तित्ववाद का, जिन्होंने समाज की जो रूढ़ियाँ हैं, जो हमारे समाज, जो हमारी धार्मिक परंपराएं हैं, जो हमारे समाज की परंपरा है, जो रूढ़ी है, जिनका उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति सिर्फ प्राचीन परंपराओं का पालन करे और कोई भी नई विचारधारा जन्म ना ले, मतलब उसे रूढ़ियों के बंधनों में बांध दिया गया था। और समाज क्या चाहता था कि व्यक्ति सिर्फ नैतिक मूल्य मान्यताओं की स्थापना में संलग्न रहे और प्राचीन परंपराओं का ही पालन करे, उनका उन्नयन करे। इसके विरोध में उन्होंने आवाज उठाई। सभी पूर्व मान्य सामाजिक, धार्मिक एवं नैतिक परंपराओं के विरोध में सर्वप्रथम आवाज उठाने वाले डेनिस विद्वान एवं धार्मिक चिंतक थे सॉरेन किर्केगार्ड। 1813 से 1855 इनका जीवन काल था। मतलब अस्तित्ववाद के प्रवर्तक कौन थे, डेनिस विद्वान सॉरेन किर्केगार्ड। इन्होंने सबसे पहले अस्तित्ववाद का दर्शन लेकर आए, ये लेकर आए। तो ये नाम आप याद कर लीजिए, सॉरेन किर्केगार्ड अस्तित्ववाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। यूरोप की 19वीं सदी की औद्योगिक क्रांति, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं मशीनीकरण ने मनुष्य के अस्तित्व के सामने प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। आपको मालूम है कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई थी 19वीं सदी में,
जब वैज्ञानिक अनुसंधानों का प्रयोग किया जा रहा था, नए नए रिसर्च हो रहे थे, नए नए नई नई मशीनें बनाई जा रही थी, इससे क्या हुआ, मनुष्य का स्थान ले लिया मशीनों ने, मशीन ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे व्यक्ति के बजाय, मतलब मनुष्य के अस्तित्व पर ही मशीनों ने तथा वैज्ञानिक अनुसंधानों ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। मनुष्य मशीन का गुलाम बनकर रह गया था, क्योंकि सारा काम मशीन से होने लगा औद्योगिक क्रांति के कारण। भौतिक एवं वैज्ञानिक विकास की दौड़ में मानव अस्तित्व का स्वतः कोई मूल्य नहीं रह गया था, मतलब मनुष्य का अस्तित्व क्या लगभग समाप्त प्राय हो चुका था, मनुष्य अस्तित्वहीन हो चुका था, उसका कोई अस्तित्व नहीं था, उसका स्थान ले लिया था मशीनों ने या भौतिक तथा वैज्ञानिक प्रगति ने। सारेन किर्केगार्ड ने ऐसी बदली हुई परिस्थितियों में मनुष्य की वैयक्तिकता की वकालत की। सारेन किर्केगार्ड ने ऐसी विषम परिस्थितियों में मनुष्य के व्यक्तित्व की, मनुष्य की वैयक्तिकता की वकालत की, और उन्होंने कहा कि मनुष्य का अस्तित्व इन मशीनों से, इन वैज्ञानिक अनुसंधानों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने पूर्व मान्यताओं तथा धर्म की नियंत्रणकारी प्रवृत्तियों का विरोध कर एक नितांत भिन्न जीवन दर्शन प्रस्तुत किया, जिसका मूल उद्देश्य हर दशा में मानव को पूर्ण रूप से स्वच्छंद करना था। अस्तित्ववाद का मूल आधार ही वैयक्तिक स्वच्छंदता है, मतलब मनुष्य जो वैयक्तिक, मनुष्य का व्यक्तित्व तो किसका गुलाम हो गया था, मशीनों का गुलाम हो गया था। तो ऐसी विषम परिस्थिति में मशीनों का गुलाम तो वह हो ही गया था, लेकिन जो धर्म है, जो समाज है, वह भी मनुष्य को कंट्रोल कर रहे थे नियम कानूनों के द्वारा। तो इन सभी चीजों का विरोध करते हुए सारेन किर्केगार्ड ने एक नया दर्शन दिया और उसे अस्तित्ववाद की संज्ञा दी गई, जिसमें मनुष्य के अस्तित्व की वकालत की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था, हर दशा में मानव को पूर्ण रूप से स्वच्छंद करना, मनुष्य को वैयक्तिक स्वच्छंदता प्रदान करना, मनुष्य को वैचारिक स्वच्छंदता प्रदान करना अस्तित्ववाद का मूल उद्देश्य था। अस्तित्ववाद मूल रूप से दर्शन का सिद्धांत है या फिलॉसफी का सिद्धांत है, लेकिन अस्तित्ववाद ने साहित्य सृजन तथा आलोचना सिद्धांतों को भी गहराई से प्रभावित किया है। भले यह दर्शन का शब्द है, दर्शन के क्षेत्र से यह आया हुआ है, लेकिन अस्तित्ववाद ने साहित्य सृजन, मतलब कविता लेखन, गद्य लेखन, उपन्यास लेखन, कहानी लेखन को भी प्रभावित किया और आलोचना सिद्धांत को भी प्रभावित किया। अस्तित्ववाद का क्या मानना है? अस्तित्ववाद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के सामने विभिन्न संभावनाएं या रास्ते हैं। मनुष्य इन संभावनाओं या रास्तों में से एक या अधिक का वर्णन करता है या चयन करता है, मतलब व्यक्ति की जिंदगी में विभिन्न अवसर आते हैं, बहुत सारी संभावनाएं आती हैं, उसके पास बहुत सारे रास्ते हैं जीवन यापन करने के, जीवन जीने के, और यह इन्हीं संभावनाओं में से, इन्हीं अवसरों में से एक या एक से अधिक का चयन करता है या वर्णन करता है। इस वर्णन के लिए मनुष्य अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करता है। अस्तित्ववाद का यह मानना है कि मनुष्य के सामने जितनी भी संभावनाएं हैं, उनका चयन करने के लिए वह अपनी वैयक्तिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का इस्तेमाल करता है। वरण की स्वतंत्रता के परिणाम स्वरूप मनुष्य अपने अस्तित्व को न केवल प्रमाणित करता है, बल्कि प्रामाणिक भी बनाता है, क्योंकि व्यक्ति को के पास चयन की स्वतंत्रता है, वरण की स्वतंत्रता है, तो यह बताता है कि मैं चयन करने में सक्षम हूं, और मैं जो भी चयन करूंगा, जो भी वरण करूंगा, वह सही रहेगा, वह प्रामाणिक रहेगा। इस प्रकार वह अपने अस्तित्व को भी प्रमाणित करता है कि मैं मनुष्य हूं, मेरा अस्तित्व है और मैं अपना निर्णय लेने में स्वयं ही सक्षम हूं। वर्ण के स्वतंत्र प्रयोग के कारण उसके सार एसेंस का निर्माण होता है, उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसके सार का निर्माण होता है, अर्थात सार से पूर्व अस्तित्व है, मतलब पहले उसके अस्तित्व का निर्माण होता है, उसके बाद उसमें अस्तित्व को वह महत्वपूर्ण बनाता है, उसमें सार पैदा करता है। तो पहले अस्तित्व होता है, उसके बाद सार आता है। अस्तित्व के पूर्ववर्ती होने के कारण इसे अस्तित्ववाद की संज्ञा दी गई है, मतलब पहले व्यक्ति के अस्तित्व का निर्माण होता है, फिर उसके व्यक्तित्व में सार का निर्माण होता है, एसेंस का निर्माण होता है, वह अपने व्यक्तित्व को महत्वपूर्ण बनाता है, अपने अस्तित्व को प्रमाणित करता है। अस्तित्व को ही अधिक महत्व दिए जाने के कारण इस सिद्धांत को अस्तित्ववाद की संज्ञा दी गई है।
अस्तित्व मानव को परिभाषित नहीं करता, क्योंकि मानव की कोई आदि मूल चिरंतर या शाश्वत प्रवृत्ति नहीं है। मतलब मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वह परिस्थितियों पर निर्भर करती है, कोई चिरंतन या कोई शाश्वत प्रवृत्ति उसकी नहीं है। वह जिस परिवेश में पलता पड़ता है, जो उसकी शिक्षा दीक्षा होती है, जहाँ उसका जन्म होता है, उसके आधार पर वह उसकी प्रवृत्ति का निर्माण होता है। इसलिए अस्तित्व मानव को परिभाषित नहीं करता। मनुष्य उसके सिवा कुछ नहीं जो अपने स्वतंत्र कर्म तथा आवरण द्वारा बनता है। अच्छा, मनुष्य का निर्माण कैसे होता है? उसके खुद के कर्म के द्वारा, कि वह क्या कार्य करता है और किन अवसरों का चयन करता है, किन संभावनाओं का चयन करता है, उसके आधार पर उसका व्यक्तित्व बनता है। अर्थात कर्म से जीवन को अर्थ मिलता है, यानी कर्म स्वर्ग और नरक का निर्माता है। अन्यथा मनुष्य अपनी प्रवृत्ति में न सत है न असत। मतलब मनुष्य न तो सत्य है न तो असत्य है। मनुष्य की प्रवृत्ति न तो सही है और न ही गलत है, बल्कि कर्म के द्वारा उसके जीवन को अर्थ मिलता है। अर्थात मनुष्य यदि चाहे तो यहाँ नरक भी बना सकता है अपने जीवन को, और यदि वह चाहे तो स्वर्ग भी बना सकता है। उसके कर्म ही यह निर्धारित करते हैं कि वह स्वर्ग के समान जीवन जिएगा कि वह अपने जीवन को नरक बना लेगा। मतलब वह अपने स्वर्ग और नरक का निर्माता स्वयं है, मनुष्य का कर्म ही उसका निर्माता है। अस्तित्ववाद के केंद्र में जीवन की निस्सारता का दर्शन है। मतलब जीवन की निस्सारता मतलब एक दिन यह जीवन नष्ट हो जाएगा, है ना। तो इसका केंद्र में यह है कि जीवन हमारा क्षणिक है, क्षणभंगुर है, और यह एक दिन नष्ट हो जाएगा। मोनियर ने अस्तित्ववाद की परिभाषा करते हुए लिखा है कि अस्तित्ववाद विचारों के दर्शन, मतलब विचारों की फिलॉसफी, तथा वस्तु यथार्थ, मतलब कंटेंट, कंटेंट की वास्तविकता के दर्शन की अति के विरुद्ध मानव के दर्शन की प्रतिक्रिया है। मतलब यथार्थवाद, बिल्कुल यथार्थ पे डिपेंड करना, यथार्थ पर निर्भर रहना, तथा हमारे जो विचार हैं, जो दर्शन है, इनके अति के विरुद्ध मानव के दर्शन की प्रतिक्रिया है। कुल मिलाकर जो हमारी सामाजिक वर्जनाएं हैं, जो सामाजिक निषेध हैं, जो समाज के नियम कानून हैं, उनमें जो अति कर दिया गया है ना, मशीनों के ऊपर जो डिपेंडेंसी हो गई, मशीनों के ऊपर हम निर्भर हो गए और उसकी बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगी समाज में, उसके विरुद्ध यह मानव के दर्शन की एक प्रतिक्रिया है। संक्षेप में अस्तित्ववाद का अर्थ है जिसका संबंध अस्तित्व से है, अर्थात जिसका मूल सरोकार मानव अस्तित्व, मानव स्थिति, संसार में मनुष्य का मकाम तथा प्रयोजन और मानवीय संबंधों की उपस्थिति और अनुपस्थिति से है। तो अस्तित्ववाद का मुख्य संबंध मनुष्य के अस्तित्व से है कि इस संसार में मनुष्य का अस्तित्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। संसार में उसकी स्थिति क्या है, संसार में मनुष्य के होने का प्रयोजन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, और मानवीय संबंध जो है, मतलब मनुष्य के लिए मानवीय संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है, और क्या वह लोगों से संबंध स्थापित कर पाता है कि नहीं कर पाता है। मतलब समाज हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो समाज में मानवीय संबंधों की उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्हीं सभी बातों पर अस्तित्ववाद में विचार किया जाता है। अब हम इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। अभी तक हमने देखा कि उसका लगभग हमने परिभाषा देखा कि अस्तित्ववाद का परिभाषा क्या होता है, उसका हमने समझने का प्रयास किया। अब हम देखते हैं अस्तित्ववाद की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड क्या था इसका। यूं तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोप के दर्शन में अस्तित्ववाद एक महत्वपूर्ण विमर्श रहा, लेकिन साहित्य में इसका आगमन वर्तमान सदी के तीसरे चौथे दशक से माना जाता है। दूसरे महायुद्ध के दौरान और उसके पश्चात कुछ वर्षों तक यह बहुत चर्चित रहा। मतलब 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, मतलब 1880 1890 के बाद यूरोप की जो फिलॉसफी है उसमें अस्तित्ववाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार विमर्श का केंद्र रहा, लेकिन इसका आगमन वर्तमान सदी के तीसरे चौथे दशक से माना जाता है, 21वीं सदी में इसका माना जाता है। दूसरे महायुद्ध के दौरान और उसके पश्चात कुछ वर्षों तक यह बहुत ही चर्चित रहा। साहित्य में अस्तित्ववाद के प्रभाव का कारण मानव की वह भयावह स्थिति थी जो फासीवाद के रक्त रंजित आतंक, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद साम्यवाद से मोहभंग तथा द्वितीय महायुद्ध की विभीषिका और अणु विस्फोटों के मानव संहार से उत्पन्न हुई थी। मतलब द्वितीय महायुद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो परिस्थितियां थी, जो नरसंहार हुए थे, और साम्यवाद से जो मोहभंग हुआ था, फासीवाद का जो रक्तरंजित आतंक था, तथा द्वितीय महायुद्ध की जो विभीषिका थी, परमाणु विस्फोट हुआ था हिरोशिमा नागासाकी में,
तो इनके मानव संहार से जो निराशा व्याप्त थी चारों तरफ, जो विभीषिका थी युद्ध की, उसके कारण ही मनुष्य के दिमाग में यह बात आई। चारों ओर निराशा एवं निस्सहारता की लहर फैल गई। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव क्या हुआ? चारों ओर निराशा और नैराश्य का वातावरण व्याप्त हो गया था। ऐसा दिखाई देने लगा कि मनुष्य किसी अंधी सुरंग में फंस गया है, मतलब वहां कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका इतनी ज्यादा थी, इतने ज्यादा नरसंहार हुए थे, परमाणु विस्फोट हुआ था, इसके कारण चारों ओर निराशा व्याप्त थी और ऐसा महसूस होने लगा था व्यक्ति को कि वह पूरा समाप्त हो चुका है, वह किसी अंधी सुरंग में फंस गया है जहां रोशनी की कोई किरण नहीं है और वह वहां से कभी बाहर नहीं निकल सकता। फ्रांज काफ्का नाम के जो प्रसिद्ध लेखक है, उनका कहना है, मैं एक ऐसी काल कोठरी में कैद हूं जिसके न दरवाजे हैं और न खिड़कियां और बाहर निकलने के तमाम रास्ते बंद हैं। फ्रांज काफ्का क्या कहना था कि मैं एक ऐसी अंधेरी बंद कोठरी में बंद हूं जिसमें न तो दरवाजा है, न तो खिड़कियां हैं, न ही कोई बाहर निकलने का रास्ता है। मतलब ऐसी परिस्थितियां थी कि आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी, चारों ओर निराशा व्याप्त था। यूरोप की 19वीं सदी की औद्योगिक क्रांति, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं मशीनीकरण ने मनुष्य के अस्तित्व के सामने भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। मनुष्य मशीन का गुलाम बन चुका था, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है। भौतिक एवं वैज्ञानिक विकास की दौड़ में मानव अस्तित्व का स्वतः कोई मूल्य नहीं रह गया था। निराशा का वातावरण तो था ही, साथ में वैज्ञानिक जो प्रगति हो रही थी, जो औद्योगिकीकरण हो रहा था, उसके कारण भी मनुष्य पूरी तरह मशीन का गुलाम बनकर रह गया था। और इस वैज्ञानिक विकास की दौड़ में, इस भौतिक विकास की दौड़ में मनुष्य का अस्तित्व का कोई महत्व नहीं रह गया था। सारेन किर्केगार्ड ने ऐसी बदली हुई परिस्थितियों में मनुष्य के व्यक्तित्व की वकालत की। सारेन किर्केगार्ड नाम के जो दार्शनिक थे, जो लेखक थे, उन्होंने ऐसी विषम परिस्थितियों में मनुष्य के अस्तित्व को महत्व प्रदान करते हुए उसके व्यक्तित्व की वकालत की। बोला कि मनुष्य का अस्तित्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने पूर्व मान्यताओं तथा धर्म की नियंत्रणकारी प्रवृत्तियों का विरोध कर एक नितांत भिन्न जीवन दर्शन प्रस्तुत किया जिसका मूल उद्देश्य हर दशा में मानव को पूर्ण रूप से स्वच्छंद करना था। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में सारेन किर्केगार्ड ने अस्तित्ववाद की अवधारणा प्रस्तुत की जिसके अनुसार जितने भी धर्म थे, जितनी भी पूर्व मान्यताएं थी जो मनुष्य के ऊपर प्रतिबंध लगाती थी, व्यक्ति के ऊपर निषेध लगाती थी, वर्जनाएं लगाती थी, उनका विरोध करते हुए जी एक नया दार्शनिक विचार लेकर आए जिसे अस्तित्ववाद की संज्ञा दी गई। और अस्तित्ववाद ने मनुष्य की वैयक्तिक स्वच्छंदता और वैचारिक स्वच्छंदता को बल प्रदान किया, महत्व प्रदान किया। और इसका उद्देश्य था मानव को पूर्ण रूप से स्वच्छंद करना, उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान करना। वे हीगेल के आदर्शवादी दर्शन के विरोधी थे। वे हर तरह के आदर्श से मुक्त कर मानव को पूर्णतः स्वच्छंद बनाना चाहते थे। अस्तित्ववाद का मूल आधार ही वैयक्तिक स्वच्छंदता है। मतलब हीगेल का जो आदर्शवाद था कि मनुष्य को हमेशा आदर्श और जो समाज के नियम कानून हैं, जो धर्म है, जो नैतिक मान्यताएं हैं, उनके आधार पर ही हर व्यक्ति को आचरण करना चाहिए, इस प्रकार के आदर्शवादी विचारों का उन्होंने उल्लेख किया। और उन्होंने बताया कि व्यक्ति पूर्णतः स्वच्छंद है और वह हर प्रकार का निर्णय लेने में स्वच्छंद है। अतः अस्तित्ववाद का मूल आधार ही वैयक्तिक स्वच्छंदता है, क्योंकि सारेन किर्केगार्ड मानव को पूर्णतः स्वच्छंद बनाना चाहते थे। किर्केगार्ड के बाद के उत्तरार्ध में अस्तित्ववादी विचारधारा के प्रबल समर्थक और व्याख्याता जर्मन दार्शनिक नीत्से थे। नीत्से माने जाते हैं किर्केगार्ड के बाद यूरोप में। नीत्से ने सामाजिक तथा नैतिक धरातल पर प्रचलित तत्कालीन एवं परंपरावादी धारणाओं का कट्टर विरोध किया। इन्होंने भी सारेन किर्केगार्ड की तरह ही सामाजिक और नैतिक धरातल पर जो वर्जनाएं थी, जो निषेध थे, जो परंपरावादी विचार थी, जो धारणाएं थी, उनका कट्टर विरोध किया। नीत्से की धारणा थी कि सामाजिक एवं नैतिक मान्यताएं मानव व्यक्तित्व का बौना बना देती हैं, अतः वे निरर्थक हैं। मतलब सामाजिक और नैतिक मान्यताएं व्यक्ति को प्रगति करने नहीं देती, व्यक्ति को विकास करने नहीं देती, इसलिए मानव का व्यक्तित्व जो है बौना हो जाता है, अस्तित्वहीन हो जाता है, अतः वे सभी निरर्थक हैं, ये सारी मान्यताएं निरर्थक हैं। यही नहीं, व्यक्ति स्वातंत्र के आधार पर नीत्से ने अति मानवीय गुणों से संपन्न सुपरमैन की कल्पना की। नीत्से ने यह कल्पना की कि व्यक्ति जो पूरी तरह से स्वतंत्र होगा, यदि व्यक्ति को पूरी तरह से स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए तो वह सुपरमैन बन जाता है। मतलब उसको इतनी आजादी मिल जाती है, स्वच्छंदता मिल जाती है कि
कि उसमें सुपरमैन जैसी क्वालिटीज पैदा हो जाते हैं और वह हर काम करने में सक्षम हो जाता है। नीत्से अनिश्वरवादी थे। नीत्से क्या है, नास्तिक थे, अनिश्वरवादी थे। उन्होंने घोषित किया कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है, गॉड इज डेड। मतलब है ईश्वर के अस्तित्व पर आस्था नहीं रखते थे, वे अनिश्वरवादी थे, नास्तिक थे। तो इस तरह अस्तित्ववाद अपने वर्तमान अर्थ में 19वीं सदी के मध्य की उपज है, मतलब 1850 के लगभग की उपज है, जिसने प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 के बाद व्यापक रूप धारण किया और जिसकी पृष्ठभूमि में औद्योगिक क्रांति जनित वह भौतिकता थी जो मनुष्य के अस्तित्व की अवहेलना कर रही थी। मतलब अस्तित्ववाद का जन्म कब हुआ, 19वीं सदी के मध्य में, लगभग 1850 में इसका जन्म हुआ। इसने प्रथम विश्व युद्ध अर्थात 1914 से 1919 के बीच व्यापक रूप धारण कर लिया था। और इसकी पृष्ठभूमि में क्या था, बैकग्राउंड में क्या था, हमारी वैज्ञानिक प्रगति और औद्योगिक क्रांति थी जो मनुष्य के अस्तित्व का अवहेला कर रही थी, क्योंकि मशीनों को अधिक महत्व प्राप्त हो रहा था। किर्केगार्ड और नीत्से के विचारों का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उनके समर्थन में अनेक दार्शनिकों और लेखकों ने अपना स्वर मिलाया। तो उस समय जो निराशा का वातावरण था, जो नरसंहार हुआ था, इसके कारण बहुत सारे दार्शनिकों ने, बहुत सारे लेखकों ने इनके समर्थन में अपना विचार व्यक्त किया। और इसके बाद सार्त्र के बाद पश्चिम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अस्तित्ववादी महत्वपूर्ण लेखक विचारक अल्बर्ट कामू हैं। सार्त्र भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक थे इसके। और इनके बाद कौन थे, पश्चिम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अस्तित्ववादी लेखक तथा तो विचारक, नोबेल पुरस्कार विजेता अल्बर्ट कामू हैं। सार्त्र भी अस्तित्ववादी विचारक थे और उनके बाद अल्बर्ट कामू हैं। उपन्यास तथा नाटकों के अलावा ज्या पाल सार्त्र नाम के जो लेखक थे, ज्या पाल सार्त्र, वो भी अस्तित्ववादी लेखक थे। इनके बाद दूसरे महत्वपूर्ण नोबेल पुरस्कार विजेता अल्बर्ट कामू हैं। सार्त्र के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। उपन्यास तथा नाटकों के अलावा इन्होंने दर्शन के क्षेत्र में भी कई ग्रंथ लिखे। अधिकांश अस्तित्ववादी लेखक साहित्यकार होने के साथ साथ महत्वपूर्ण दार्शनिक भी हैं। मतलब जितने भी अस्तित्ववादी जो लेखक हैं वे दार्शनिक भी हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण दार्शनिक हैं। इनमें ज्या पाल सार्त्र हैं, अल्बर्ट कामू हैं, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। अस्तित्ववादी व्यक्ति का अस्तित्व किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं मानते। मतलब व्यक्ति की जो सत्ता है, जो व्यक्ति का अस्तित्व है, वो बाहरी किसी सत्ता के नियंत्रण में नहीं है, उसके अधीन नहीं है। उनके अनुसार मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता तथा अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी स्वयं है। अस्तित्ववाद की यह सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है तथा अपने कर्मों के लिए वह स्वयं ही उत्तरदायी है। अस्तित्ववादियों के अनुसार सच्चे अर्थ में मनुष्य अपने अस्तित्व का बहुत दुख एवं त्रास, यहाँ तक कि मृत्यु के एहसास क्षणों में ही कर सकता है, और बिना अस्तित्व बोध के मनुष्य सच्चे अर्थ में स्वच्छंद भी नहीं हो सकता। मतलब अस्तित्ववादियों के अनुसार मनुष्य अपने व्यक्तित्व का बोध, अपने अस्तित्व का बोध, अपने दुख और संतरास, इन सभी का बोध मृत्यु के क्षणों में भी कर सकता है, इनका एहसास कर सकता है मृत्यु के क्षणों में भी, और बिना अस्तित्व बोध के मनुष्य सच्चे अर्थों में स्वच्छंद भी नहीं हो सकता। मतलब जिस व्यक्ति को अपने अस्तित्व का ही बोध ना हो, जिसे अपना अस्तित्व महत्वपूर्ण न लगता हो, तो वह सच्चे अर्थों में स्वच्छंद भी नहीं हो सकता। वह समाज के पराधीन रहेगा, समाज के जितने भी नियम कानून हैं, नैतिक और धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं हैं, जो रूढ़ियां हैं, उनसे वह जकड़ा हुआ रहेगा, और यदि उसे अपने अस्तित्व का बोध नहीं है तो वह कभी स्वच्छंद भी नहीं हो सकता। अस्तित्ववाद की दो धाराएं हैं। मतलब अस्तित्ववाद क्या है, दो भागों में बटा हुआ है, दो धाराएं हैं इसके, दो प्रकार हैं। अस्तित्ववादी दर्शन की दो मुख्य धाराएं हैं, ईश्वरवादी अस्तित्ववाद मतलब आस्थावादी या फिर आस्तिक, तथा दूसरा अनिश्वरवादी अस्तित्ववाद अनास्थावादी या फिर नास्तिक, जिनकी ईश्वर पर कोई आस्था नहीं है। ईश्वरवादी में कौन कौन से हैं, ईश्वरवादी अस्तित्ववाद अर्थात आस्थावादी अर्थात आध्यात्मिक धार्मिक पराभौतिक, इस धारा में ईसाइयत का प्रभुत्व है। मतलब ईसाई धर्म यहाँ पर ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इनका प्रभुत्व है। इस धारा में ईश्वर केंद्र में है, मनुष्य की मीमांसा ईश्वर के संदर्भ में ही संभव है। मतलब मनुष्य का स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है, वह ईश्वर के अधीन है, ईश्वर के संदर्भ में ही उसकी व्याख्या की जा सकती है। ईश्वरवादी अस्तित्व के अनुसार इस संसार में निरर्थक जीवन को सार्थक तथा सारपूर्ण बनाने के लिए निष्ठा तथा ईश्वर में आस्था अनिवार्य है।
मतलब यदि व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहता है, सारपूर्ण बनाना चाहता है, महत्वपूर्ण बनाना चाहता है, तो उसकी ईश्वर में अटूट आस्था होनी चाहिए, ईश्वर के प्रति उसके मन में निष्ठा होनी चाहिए। मनुष्य की गति ईश्वर की शरण के बिना संभव नहीं है, मतलब मनुष्य ईश्वर के शरण में जाए बिना उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, मनुष्य को ईश्वर के शरण में जाए बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। ईश्वरवादी अस्तित्ववाद के प्रवर्तकों में सॉरेन किर्केगॉर्ड तथा गैब्रियल मार्शल के नाम उल्लेखनीय है। ये ईश्वरवादी हैं, आस्थावादी हैं। सॉरेन किर्केगॉर्ड तथा गैब्रियल मार्शल, ये दोनों महत्वपूर्ण लेखक हैं। अनिश्वरवादी इस अस्तित्ववाद अनास्थावाद, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अस्तित्ववादी वादी जो दर्शन है उसमें जो अनास्थावाद है, अनिश्वरवादी अस्तित्ववाद जो है अनास्थावाद है, नास्तिक में मनुष्य इस संसार में निसहाय है। इसके अनुसार मनुष्य इस संसार में निसहाय है, उसकी सहायता कोई नहीं कर सकता, वह बिल्कुल अकेला है। फ्रेडरिक नीत्से के अनुसार ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। फ्रेडरिक नीत्से नाम के जो दार्शनिक है उनका कहना है कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। ज्यां पॉल सार्त्र के अनुसार संघर्ष में ही मानव की गति है। जब ईश्वर ही नहीं तो मनुष्य अपने प्रत्येक कर्म के लिए स्वयं उत्तरदायी है। सार्त्र का कहना है कि मनुष्य अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है, ईश्वर जब नहीं है तो सारा काम उसे स्वयं करना है। वह जैसा कर्म करेगा वैसा ही वह अपने भाग्य का निर्माण करेगा। अनिश्वरवादी अस्तित्ववाद के प्रमुख प्रवर्तकों में मार्टिन हाइडेगर और ज्यां पॉल सार्त्र शामिल हैं। अनिश्वरवादी मतलब नास्तिक अस्तित्ववाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन से हैं? मार्टिन हाइडेगर तथा ज्यां पॉल सार्त्र। ये महत्वपूर्ण है। अनिश्वरवादी अनास्थावादी वर्ग की प्रधानता है, इनमें यह महत्वपूर्ण है। इस वर्ग का प्रतिनिधित्व नीत्से तथा सार्त्र करते हैं। नीत्से और ज्यां पॉल सार्त्र अनास्थावादी अस्तित्ववाद के प्रवर्तक है, कह सकते हैं कि ये इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। नीत्से ने कहा था ईश्वर मर गया है, ईश्वर गॉड इज डेड। वस्तुतः अस्तित्ववादियों का ईश्वर से उतना बैर नहीं जितना धार्मिक नैतिक एवं चारित्रिक मूल्यों मान्यताओं से है। मतलब इनका ईश्वर से मर गया कहने का तात्पर्य क्या है कि जितने भी धार्मिक मान्यताएं हैं, धार्मिक मूल्य हैं, नैतिक एवं चारित्रिक मूल्य हैं और मान्यताएं हैं, इनका कोई अर्थ नहीं रह गया है, यह सब समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि ये सभी पूर्व स्थापित मूल्यों एवं मनुष्य की स्वतंत्रता को बाधित करते हैं। मतलब जितने भी धार्मिक नैतिक सामाजिक रूढ़ियां हैं, जो मूल्य हैं, जो वैल्यूज हैं, वह मनुष्य की स्वतंत्रता को बाधित करते हैं, मनुष्य को विकसित होने नहीं देते, मनुष्य को विकास करने नहीं देते। सार्त्र ईश्वर के अस्तित्व को इसीलिए मिटाना चाहते हैं ताकि धर्म एवं नीति संबंधी कोई भी मूल्य आदेश भी ऐसा ना बचे जो मनुष्य के स्वच्छंद एवं सहज चरित्र विकास में बाधक हो। मतलब ऐसा कोई भी नियम कानून नहीं होना चाहिए, धार्मिक या नैतिक, या ऐसा भी कोई मूल्य या आदेश नहीं होना चाहिए समाज की ओर से जो मनुष्य की स्वच्छंदता को बाधित करे, मनुष्य के सहज सरल व्यक्तित्व के विकास को जो बाधित करे या उसके विकास में बाधक हो। ऐसा कोई सामाजिक धार्मिक नैतिक कोई मूल्य नहीं होना चाहिए, कोई आदेश नहीं होना चाहिए, कोई रूढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए जो मनुष्य की स्वच्छंदता को बाधित करती हो, उसके सहज चारित्रिक विकास में बाधक हो। सार्त्र ने लिखा है इंडीड एवरीथिंग इज परमिसिबल इफ गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब यदि गॉड का अस्तित्व नहीं है, भगवान का अस्तित्व नहीं है, तो सब कुछ हम कर सकते हैं, सब कुछ करने के पात्र हैं। इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट वी फाइंड नो वैल्यूज आर कमांड टू टर्न टू विच लेजिटिमेट अवर कंडक्ट। यदि ईश्वर का ही अस्तित्व नहीं तो धर्म का भी अस्तित्व नहीं है, रूढ़ियों का भी अस्तित्व नहीं है। मतलब ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो हमारे कंडक्ट को, जो हमारे आचरण को नियंत्रित करे, मतलब व्यक्ति स्वतंत्र है। अर्थात सचमुच यदि ईश्वर का अस्तित्व न रहे तो मनुष्य को किसी भी तरह का बंधन नहीं रह जाएगा। यदि ईश्वर का अस्तित्व ना हो तो हम पाएंगे कि हमारे आचरण को नियंत्रित करने वाले मूल्य या बुनियादी आधार ही खत्म हो गए। जब ईश्वर ही नहीं रहा तो कोई नियम कानून ही नहीं रहे, मतलब मनुष्य को नियंत्रित करने वाले समाज में जो नियम कानून है उनका भी अंत हो जाएगा, रूढ़ियों का अंत हो जाएगा, धार्मिक जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, पुराने मूल्य हैं, उनका भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा। हमारे आचरण को नियंत्रित करने वाला कोई मूल्य नहीं रह जाएगा, सारे बुनियादी आधार खत्म हो जाएंगे और व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएगा, अपने अस्तित्व को प्रमाणित कर पाएगा। अस्तित्ववादी विचारक ज्ञान विज्ञान को भी महत्वपूर्ण महत्वहीन मानते हैं। अस्तित्ववादी विचारक क्या बोलते हैं? ज्ञान विज्ञान भी बेकार है, उनका कोई वैल्यू नहीं है, उनके लिए वह सभी कुछ व्यर्थ है जिससे अस्तित्व बोध में सहायता नहीं मिलती है। मतलब ये सारी चीजें जो मनुष्य के अस्तित्व को कम करती हैं, मनुष्य के अस्तित्व बोध को बाधित करती हैं, वे सभी कुछ व्यर्थ है,
जिसे मनुष्य का अस्तित्व बोध प्रमाणित नहीं होता है कि मैं भी महत्वपूर्ण हूँ, मेरा भी अस्तित्व है। वे मात्र मानव स्थिति ह्यूमन कंडीशन जानने के आग्रही हैं, क्योंकि उसे अस्तित्व बोध में सहायता मिलती है। मतलब मनुष्य को यह महसूस होना चाहिए कि मेरी समाज में क्या स्थिति है और मैं कितना महत्वपूर्ण हूँ, मेरा कितना महत्वपूर्ण अस्तित्व है। तो इसी को सिर्फ जानने के वे आग्रही हैं, सिर्फ वे यही जानना चाहते हैं कि मनुष्य का अस्तित्व कितना महत्वपूर्ण है, उसका समाज में क्या स्थान है। मानव स्थिति के ज्ञान के लिए किसी भी पूर्व प्रचलित परंपरा, सामाजिक, वैज्ञानिक, आर्थिक एवं धार्मिक विश्वास अथवा किसी भी नियम सिद्धांत आदि के सहारे की आवश्यकता नहीं है। मतलब मानव की जो स्थिति है, जो ह्यूमन कंडीशन है सोसाइटी में, उसको जानने के लिए किसी भी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, वैज्ञानिक इत्यादि धार्मिक किसी भी प्रकार के नियम या सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। यदि आवश्यकता है तो मात्र कष्ट अथवा वेदनानुभूति की, क्योंकि मानव स्थिति अनिवार्य रूप से वेदनामय है। यदि आवश्यकता है तो सिर्फ इस चीज की कि मनुष्य में एक दूसरे दूसरे मनुष्य के कष्ट की, उसकी वेदना की अनुभूति पैदा हो, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में वेदना है, कष्ट है। अर्थात मानव की जो स्थिति है वह पूर्ण रूप से वेदनामय है, कष्टप्रद है, आपके जीवन में अत्यंत कष्ट है। इसलिए एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के वेदना की अनुभूति होनी चाहिए, उसके कष्ट का अनुभव होना चाहिए। अस्तित्ववादी सुख की लालसा को ही निरर्थक मानते हैं, बोलते हैं सुख व्यर्थ है, सुख की तो इच्छा ही नहीं करनी चाहिए। उनके लिए किसी भी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, राजनीतिक, दार्शनिक अथवा वैज्ञानिक उन्नति मनुष्य को न तो पूर्णतः संतुष्ट कर सकती है और न ही सुखी। मतलब एक प्रकार से यह कह सकते हैं कि यह पूरी तरह से निराशावादी है कि कोई भी सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, राजनीतिक, दार्शनिक अथवा वैज्ञानिक उन्नति, अगर व्यक्ति ये इन सब क्षेत्रों में उन्नति कर भी लेता है, तब भी वह न तो पूर्णतः संतुष्ट होगा और न ही पूर्णतः सुखी होगा। मतलब पूरी तरह निराशावादी विचारधारा है। फलतः इन क्षेत्रों में किए जाने वाले सभी सामाजिक अथवा वैयक्तिक प्रयास निरर्थक हैं और उन प्रयासों को करने वाले तथा कथित महापुरुषों का योगदान व्यर्थ एवं भ्रामक है। मतलब यदि कोई व्यक्ति सामाजिक उन्नति कर लेता है, धार्मिक उन्नति कर लेता है, नैतिक उन्नति कर लेता है, राजनीतिक उन्नति करने का प्रयास करता है, दार्शनिक या वैज्ञानिक उन्नति का प्रयास करता है, तो यह सभी प्रयास व्यर्थ हैं। और जिन लोगों को लगता है कि जिन महापुरुषों ने इन क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है, उनका योगदान भी व्यर्थ है, भ्रामक है, किसी काम का नहीं है, बेकार है। इन क्षेत्रों में की गई उन्नति ने मात्र एक ही कार्य किया है और वह है मनुष्य की स्वच्छंदता को बाधित करने का काम। मतलब यदि इन क्षेत्रों में व्यक्ति की उन्नति हो भी जाती है, तो व्यक्ति उन्हीं के बंधनों में उलझकर रह जाता है और वह मनुष्य की स्वतंत्रता को बाधित करते हैं। मतलब सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में मनुष्य यदि उन्नति कर भी लेता है तो उसे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वह उन्हीं के नियम कानूनों, उन्हीं के बंधनों में बंधकर फिर से उलझ कर रह जाता है और वह कोई अपनी स्वच्छंदता का प्रयोग नहीं कर पाता, अपना विकास नहीं कर पाता, उससे उसकी स्वतंत्रता ही बाधित होती है, उसका विकास नहीं होता। अस्तित्ववादियों की यह पूर्ण स्वच्छंदता भले ही उन्हें घोर अराजकता, अशांति और यहाँ तक कि मृत्युमुखी क्यों न कर दे, इसकी उन्हें परवाह नहीं है। मतलब उनकी यह पूर्ण उन्हें पूर्ण स्वच्छंदता चाहिए। पूर्ण स्वच्छंदता के कारण क्या होगा? अराजकता का माहौल होगा, अशांति का वातावरण पैदा होगा, है ना, मृत्यु जैसी दशाएं पैदा होंगी, बहुत सारे लोग आपस में लड़कर मर जाएंगे, इसकी उन्हें परवाह नहीं है, क्योंकि वे मृत्यु को जीवन का अनिवार्य अंश मानते हैं। वे बोलते हैं कि मृत्यु, जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी होगी, और जो मृत्यु है वह हमारे जीवन का अनिवार्य अंश है, हमको तो उसका स्वागत करना चाहिए। वे पूर्ण स्वच्छंदता में जीकर अंत में मृत्यु को अस्तित्व का अनिवार्य अंश मानकर उसका साहस पूर्वक वर्णन करना चाहते हैं। मतलब उनके अनुसार मृत्यु जो है जीवन की पूर्णता है और वे मृत्यु का साहस पूर्वक वर्णन करना चाहते हैं, साहस पूर्वक मृत्यु का चयन करना चाहते हैं, ताकि वे अपने अस्तित्व को प्रमाणित कर सकें कि भाई हमने स्वच्छंदता पूर्वक जीवन जिया है और हम मृत्यु का भी हम साहस पूर्वक वर्णन करते हैं, हमने अपने अस्तित्व को भी प्रमाणित किया है। मूल विचार बिंदु, मेन पॉइंट्स क्या है अस्तित्ववाद के? अस्तित्ववाद के मूल तत्व कौन कौन से हैं जो आपको लिखना है परीक्षा में? पहला, मानव रचना। मानव रचना के मूल में कोई प्रयोजन नहीं है। मतलब मानव का जो यहाँ पे दुनिया में जो पैदा हुआ है, उसकी जो रचना की गई है, वो उसकी रचना जैसे भी हुई प्राकृतिक रूप से, उसका कोई उद्देश्य नहीं है। वह स्वयं जो निर्धारित करता है, उसके अलावा बिना किसी प्रयोजन के, उसकी इच्छा के बगैर फेंक दिया गया है। मतलब उसको खुद ही चयन करना है। एक व्यक्ति जो दुनिया में आया हुआ है, उसके लिए पहले से कोई उद्देश्य निर्धारित नहीं है। वो यही अपने स्वर्ग और नरक का निर्माण करेगा, अपने उद्देश्य का निर्माण करेगा, उसे सिर्फ यहाँ पर
फेंक दिया गया है। जो वह स्वयं निश्चित करता है, सिवाय उस उद्देश्य या गंतव्य के वह संसार में भटकने के लिए विवश है, वह किसी सहारे या सहायता के बगैर निरंतर गर्दिश में, क्योंकि ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है, तो व्यक्ति को इस संसार में ढकेल दिया गया है, जिसका कोई उद्देश्य कोई गंतव्य नहीं है, जो कहीं नहीं पहुंच सकता, मतलब उसको किसी प्रकार के सहारा या सहायता यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, है ना। वह निरंतर कष्ट में है, वह जितना अपना परिश्रम करेगा, साहस पूर्वक अपना जो चयन करेगा, उसके आधार पर ही वह अपने जीवन को स्वर्ग या नरक बनाएगा, नहीं तो वह निरुद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। मानव की प्रकृति क्या है? मानव प्रकृति एक अर्थहीन शब्द है, मतलब मानव की कोई वास्तविक प्रकृति नहीं होती, कोई सही या गलत प्रकृति उसकी नहीं होती, मानव की कोई प्रवृत्ति नहीं होती, केवल एक केवल इतिहास है, मतलब मानव की कोई टेंडेंसी नहीं है, सिर्फ उसका हिस्ट्री है। मानव प्रकृति को स्वीकार करने का अर्थ है मानवेतर दैवी शक्ति में विश्वास, अर्थात ऐसी परम शक्ति को स्वीकार करना जो मनुष्य के अस्तित्व से पूर्व पैदा हुई है या मौजूद है। यदि हम कहते हैं कि मानव एक प्रकृति लेकर पैदा होता है, उसमें पहले से टेंडेंसी होती है, तो इसका अर्थ यह होगा कि जो दैवी शक्ति है उसके अंदर प्रकृति जागृत करती है, तो हमको दैवी शक्ति में विश्वास करना पड़ेगा, मतलब एक ऐसी शक्ति में हमको विश्वास करना पड़ेगा जो मनुष्य के अस्तित्व से पहले अस्तित्व में आई थी। लेकिन ये जो अस्तित्ववाद है, इसीलिए मानव प्रकृति पर भी विश्वास नहीं करती, क्योंकि यदि वह मानव प्रकृति में विश्वास करेगी तो दैवी शक्ति में, दैवी प्रकृति में भी उसको विश्वास करना पड़ेगा जो कि मानव प्रकृति से पहले पैदा हुई थी। मानव आदतें, व्यक्ति की आदतें क्या है? मानव प्रकृति के बने बनाए पूर्व निश्चित नहीं नियम नहीं होते, बल्कि कुछ आदतें हैं, इसमें से कोई भी किसी भी दिन बदल सकती है, मतलब वास्तव में मनुष्य की कोई टेंडेंसी नहीं होती, कोई प्रवृत्ति नहीं होती, बल्कि मनुष्य की आदतें होती हैं, और आदतें भी कभी भी बदल सकती है ना। मनुष्य की आदतें बदलती रहती हैं और वह कभी भी बदल सकती है। यह विचार इन शब्दों से स्पष्ट हो जाता है कि कोई ईश्वर नहीं है, कोई नस्ल या जाति नहीं है, कोई आदिम पाप नहीं, कोई परवेश नहीं, कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, कोई शिक्षक नहीं, कोई प्रवृत्ति रुझान या ग्रंथि नहीं, बचपन का प्रशिक्षण नहीं, मनुष्य स्वतंत्र है, मतलब न तो ईश्वर है, न तो माता पिता है, न शिक्षक है, कोई प्रवृत्ति, कोई रुझान, कोई सोच विचार कुछ नहीं है, कोई प्रशिक्षण नहीं मिला है व्यक्ति को, व्यक्ति सिर्फ स्वतंत्र है, फ्रीडम है केवल। मनुष्य अपनी संभावना तथा जिम्मेदारियों में घिरा हुआ इस संसार में धकेल दिया गया है। मनुष्य के पास अपार संभावनाएं तो हैं, लेकिन उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं, और इन्हीं सारी संभावनाओं और जिम्मेदारियों के साथ उसे इस संसार में ढकेल दिया गया है, लेकिन कोई सहारा देने वाला नहीं है। मानव स्थिति, ह्यूमन कंडीशन, यह वह स्थिति है जिसमें मनुष्य अलगाव, एलियनेशन और एकाकीपन का जीवन व्यतीत करने पर विवश है, क्योंकि उसे कोई सहायता देने वाला नहीं है, कोई सहायक नहीं है, ईश्वर नहीं है। इसका मतलब क्या है? मनुष्य एकाकी जीवन जीने के लिए विवश है, बाध्य है, अलगाव अलगाव महसूस कर रहा है, समाज में वह भीड़ में रहकर भी अकेला महसूस कर रहा है। हाइडेगर का कथन है, मनुष्य संसार में अकेला, थका हुआ और निराश और भयभीत है। मानव की यह निरुद्देश, प्रयोजनहीन, अलगाव तथा संतरास स्थिति इस दुनिया को विसंगतियों का रंगमंच बना देती है, मतलब व्यक्ति चूंकि अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, इसलिए वह निराश है, थका हुआ है, भयभीत है, उसका जीवन निरुद्देश्य है, प्रयोजनहीन है। इस अलगाव तथा संतरास की स्थिति में यह दुनिया उसको विसंगतियों का रंगमंच बना देती है ना। विसंगति मतलब दुख सुख, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है उसको। मानव नियति, अस्तित्ववाद ने यह प्रश्न किया कि मानव की इस विषम परिस्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? ईश्वर, धर्म, राज्य, व्यवस्था, सभ्यता, संस्कृति, नैतिकता, राजनीति, विज्ञान या स्वयं मनुष्य, मतलब मनुष्य की इस निराशावाद स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? अस्तित्ववाद के अनुसार मानव अपनी विषम परिस्थिति के लिए स्वयं जिम्मेदार है। अस्तित्ववाद का यह मानना है कि मनुष्य आज अपने आप को जिस स्थिति में, जिस निसहाय स्थिति में, निराशाजनक स्थिति में पाता है, उसके लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार है। याद रहे कि मार्क्सवाद के तहत मनुष्य भौतिक ऐतिहासिक नीतिवाद का गुलाम है ना। मार्क्सवाद की प्रमुख अवधारणा क्या है? भौतिक ऐतिहासिक नीतिवाद, तो यह उसका गुलाम है, यह अलग ही चैप्टर है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार वह अवचेतन यौन प्रवृत्ति का दास है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार क्या है? वह अवचेतन यौन प्रवृत्ति जो मनुष्य के मन में हमेशा चलते रहता है, उसकी जो दबी हुई इच्छाएं हैं, जो पूरी नहीं हो पाई हैं यौन इच्छाएं, उनका वह गुलाम है। विभिन्न धर्मों के अनुयायी इसे ईश्वर या किसी दैवी शक्ति द्वारा परिचालित मानते हैं। विभिन्न धर्मों के अनुयायी क्या बोलते हैं? कि मानव की जो नियति है वह पहले से तय है,
मानव का जो भवितव्य है, जो लक्ष्य है, जो प्रयोजन है, वह पहले से तय है। अब भगवान उसको परिचालित करते हैं, है ना, ईश्वर उसको परिचालित करते हैं, ईश्वर उसके लिए निर्धारित करते हैं कि उसका जीवन कैसा रहेगा। विभिन्न धर्मों के न्याय ऐसे बोलते हैं, लेकिन अस्तित्ववाद इन सब पर प्रश्न चिन्ह पैदा करता है कि भाई मनुष्य की विषम परिस्थितियों के लिए कौन जिम्मेदार है, और उस प्रश्न का उत्तर भी स्वयं देता है कि मनुष्य अपनी विषम परिस्थितियों के लिए या फिर अच्छी परिस्थितियों के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होता है। कोई ईश्वर, कोई धर्म, कोई नैतिक अवधारणा इस पर नहीं है, काम नहीं करती। मानव वरण तथा स्वतंत्रता, मानव किन चीजों का चयन करता है? अपनी स्वतंत्रता के आधार पर चयन करने की स्वतंत्रता है व्यक्ति के पास। अस्तित्ववाद के अनुसार मनुष्य के पास चयन करने की स्वतंत्रता है, वरण करने की स्वतंत्रता है, बहुत संभावनाएं हैं, बहुत सारे अवसर हैं। उन अवसरों में से वह अपनी स्वतंत्रता के आधार पर अपने लिए उपयुक्त अवसर का चयन करता है। अस्तित्ववाद में मनुष्य अपने कर्म तथा निर्णय के लिए स्वयं उत्तरदायी है। जो भी वह कर्म करता है, जो भी वह निर्णय लेता है, उसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी जिम्मेदार है। इस कर्म तथा निर्णय के लिए उसे वरण या चयन करना पड़ता है। उसके बाद बहुत सारे विकल्प हैं, उन विकल्पों में से उसे अपने जीवन के लिए उसे क्या करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है। वरण के लिए स्वतंत्रता मूल शर्त है। कोई व्यक्ति चयन कब कर पाएगा? किसी व्यक्ति को जब आप विकल्प देंगे, व्यक्ति को आप चयन करने की स्वतंत्रता देंगे, तभी तो वह चयन कर पाएगा, है ना। तो वरण के लिए स्वतंत्रता क्या है? वरण या चयन के लिए स्वतंत्रता मूल शर्त है। ईश्वर, राज्य या कोई अन्य व्यवस्था या व्यक्ति उसके लिए वरण नहीं कर सकता। मतलब कोई ईश्वर, कोई राज्य, कोई अन्य व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई चयन नहीं कर सकते, किसी चीज का वरण नहीं कर सकते। जैसे व्यक्ति को शादी करनी है, तो यह उसका व्यक्तिगत मामला है कि वह किससे शादी करेगा, तो वह लड़की का चयन अपने लिए स्वयं ही करेगा, या लड़के का चयन चयन कोई लड़की स्वयं ही करेगी। इस स्वतंत्रता के बोझ से भयभीत होकर वह धर्म, राज्य या नैतिकता की शरण लेता है। जब आप किसी व्यक्ति को पूरी तरह स्वतंत्र कर देते हैं कि ठीक है आप डिसाइड कर लीजिए, आप अपना निर्णय ले लीजिए, तो वह क्या, वो डर जाता है। कभी कभी लगता है कि पता नहीं मैं सही निर्णय ले पाऊंगा कि नहीं। तो इसके लिए क्या है, वह धर्म की शरण लेता है, राज्य की शरण लेता है, तथा नैतिकता की शरण लेता है। जब उसे अपने निर्णय पे बहुत डाउट होता है, उसको आज़ादी तो दे दी गई, स्वतंत्रता दे दी गई, लेकिन वह निर्णय नहीं ले पाता है, तो वह धर्म, राज्य, नैतिकता की शरण लेता है। अर्थात स्वतंत्रता का बोझ सहन न कर पाने के कारण वह पलायन करता है। मतलब व्यक्ति को स्वतंत्रता तो दे दी गई, आज़ादी दे दी गई है कि आप चयन कर लीजिए, लेकिन वह चयन नहीं कर पाता है, तो वह स्वतंत्रता के बोझ से भयभीत हो जाता है और उसे पलायन कर देता है। सातवां, चिंता एवं संतरास। वरण की स्वतंत्रता की स्थिति चिंता है, एंगस्ट तथा संतरास डेड उत्पन्न करती है। मूल जर्मन शब्द एंगस्ट में मानसिक परिताप, चिंता तथा भय, संतरास दोनों शामिल है। क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्र है और वह चयन नहीं कर पाता, उसको स्वतंत्रता दे दी गई कि आप अपने लिए उपयुक्त संभावना या अवसर का आप चयन कर लीजिए, अपने करियर का चयन कर लीजिए, अपने जीवन साथी का चयन कर लीजिए, उसको आज़ादी दे दी गई। लेकिन आज़ादी दे दी गई तो क्या हुआ, वह स्वतंत्रता के बोझ के नीचे दब जाता है, और इस बोझ के कारण उसके मन में चिंता और संतरास पैदा होता है, डेड उत्पन्न होता है कि मैं कैसे करूं, क्या चयन करूं, क्या मेरे लिए उचित है, क्या अनुचित है, इसका क्या फायदा होगा, क्या हानि होगा। तो उसके मन में क्या है, उधेड़बुन में वह रह जाता है, वह सही चयन नहीं कर पाता है, तो उसके मन में चिंता एवं संतरास उत्पन्न होता है। आठवां, प्रामाणिक व्यक्ति तथा जीवन, सच्चा व्यक्ति वही होता है। अस्तित्ववाद के अनुसार सच्चा व्यक्ति कौन होता है? जो स्वतंत्रता के बोझ को स्वीकार कर लेता है, मतलब जो सोच लेता है ठीक है मुझे चयन करने की स्वतंत्रता दी गई है, तो मैं चयन करूंगा और अपने निर्णय पर अडिग भी रहूंगा, चाहे उससे मुझे फायदा हो या नुकसान। जो वर्णन करने में संकोच नहीं करता, है ना, जो व्यक्ति चयन करने में संकोच नहीं करता, ठीक है मैं, यह मेरा डिसीजन है और मैं डिसाइड कर लिया तो मैं यह करूंगा, मैं संकोच नहीं करता चयन करने में, कोई डाउट नहीं रहता उसके मन में। जो स्वेच्छा से निर्णय लेता है, मतलब सच्चा व्यक्ति कौन है, जो स्वेच्छा से निर्णय लेता है, किसी से पूछता नहीं है वो कि क्या यह मेरे लिए सही है, क्या इससे मुझे फायदा होगा, या मेरे लिए उचित है या अनुचित, वह स्वयं निर्णय लेता है। जो इस निर्णय के लिए संताप के लिए तत्पर रहता है, मतलब कई बार क्या होता है, हम जो निर्णय लेते हैं वह हमारे लिए सही नहीं रहता और उसके कारण हमको असफलता का सामना भी करना पड़ता है जीवन में, लेकिन सच्चा व्यक्ति क्यों कौन होता है,
कि यदि उसके जीवन में कुछ त्रासदी होती है उस निर्णय के कारण, कुछ संताप होता है, कुछ दुख होता है, कुछ कष्ट होता है, तो वह उसके लिए भी तत्पर रहता है। ठीक है कि मैंने निर्णय ले लिया और इसका जो भी परिणाम हो उसको भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। जो अपने प्रत्येक कर्म के लिए उत्तरदायी है और उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार है। मतलब सच्चा व्यक्ति कौन होता है? कि जो वह जो भी कर्म करता है उसकी सजा भुगतने के लिए, यदि वह गलत कर्म करता है तो वह उत्तरदायित्व तो स्वीकार करता है और उसकी सजा भुगतने के लिए भी तैयार रहता है कि भाई ठीक है मुझसे गलती हो गई और मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, तत्पर हूँ। ऐसा व्यक्ति प्रमाणिक व्यक्ति है। अन्य लोग झूठी आस्था बैठ फैट वाले होते हैं। ऐसा व्यक्ति ये सच्चा व्यक्ति होता है, प्रमाणिक व्यक्ति होता है। और जो अन्य व्यक्ति होते हैं वो उनकी आस्था झूठी होती है, बैठ फैत वाले होते हैं। मूल्य का प्रश्न, वैल्यू का प्रश्न। प्रत्येक व्यक्ति स्थितियों के अलग अलग होने के बावजूद अलग अलग वर्णन करता है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति, उसकी परिस्थितियां अलग अलग है, कंडीशन अलग अलग है, इसीलिए उसके चयन भी अलग अलग होता है। अतः हर व्यक्ति का अर्थबोध दूसरे व्यक्ति के अर्थबोध से भिन्न होता है। मतलब जैसे कोई व्यक्ति एक किताब पढ़ रहा है तो उसकी जो परवरिश है और जिस पृष्ठभूमि से वह उठ कर आया है उस हिसाब से वह उस किताब का अर्थबोध ग्रहण करेगा, जो कि दूसरे व्यक्ति के अर्थबोध से भिन्न होता है। मतलब जो चीज़ों को देखने का जो नजरिया होता है वह हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, क्योंकि हर व्यक्ति की परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, परवरिश अलग अलग होता है और पृष्ठभूमि अलग अलग होती है, इसलिए उनका अर्थबोध भी अलग अलग होता है। इसलिए कोई व्यापक या सामान्य मूल्य अर्थ संभव नहीं है। इसलिए समाज में कोई ऐसा व्यापक या सामान्य मूल्य अर्थ या अर्थ संभव नहीं है। मतलब कोई भी वैल्यूज सबके लिए एक जैसे नहीं होंगे। एक समाज में जो मूल्य हैं, जो वैल्यूज हैं, जो परंपराएं हैं, दूसरे समाज के लिए व्यर्थ भी हो सकती है। वैसे ही जो अर्थ एक के लिए कोई चीज़ मूल्यवान है, कोई अर्थवान है, तो दूसरे के लिए निरर्थक भी हो सकता है। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि क्या हम सही वर्णन करते हैं या हम इसके योग्य हैं या नहीं। अस्तित्ववाद का उत्तर है कि मानव की मानवता वर्ण की अच्छाई में नहीं बल्कि सच्चाई में है। मतलब यह प्राय पूछा जाता है कि क्या हम सही वर्णन करते हैं, सही चयन करते हैं, क्या हम सही चयन करने में सक्षम हैं या इसके योग्य हैं। तो अस्तित्ववाद इसका उत्तर देता है कि आप अच्छा चयन करते हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप सच्चाई से चयन करते हैं, मतलब आपके इरादे नेक हैं, है ना। आप अच्छे इरादे से, आप सच्चाई से किसी चीज़ का चयन करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। मतलब आप किसी चीज़ का चयन करते हैं वह अच्छा है या बुरा, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आप कितने सच्चाई से उसका चयन कर रहे हैं। मूल्य का प्रश्न वर्ण के बाद पैदा होता है। मतलब वैल्यू का जो प्रश्न है, मूल्य का जो प्रश्न है, वह चयन करने के बाद पैदा होता है कि मेरा चयन सही है कि गलत है, क्योंकि सार अस्तित्व के बाद का है, अस्तित्व सार से पूर्ववर्ती है। मतलब पहले आप चयन करते हैं, उसके बाद आप अपने अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं, और उसके बाद आप अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को महत्वपूर्ण बनाते हैं, सारपूर्ण बनाते हैं, क्योंकि अस्तित्व सार से पूर्ववर्ती है। क्योंकि पहले अस्तित्व का जन्म होता है, फिर व्यक्तित्व में सार का जन्म होता है। इन मूल विचार बिंदुओं से स्पष्ट है कि अस्तित्ववाद के अनुसार ऐसे मनुष्य का अस्तित्व है जो वर्णन करता है, स्वतंत्रता का प्रयोग करता है, चिंता तथा संतरा से गुजरता है। मतलब अस्तित्ववाद के अनुसार मनुष्य का अस्तित्व अत्यंत महत्वपूर्ण है, और मनुष्य का ऐसा अस्तित्व है जो स्वयं ही चयन करता है या वर्णन करता है, जो अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करता है, और कभी कभी वह चिंता तथा संतराज से भी गुजरता है। अपने संकल्प तथा कर्म के लिए उत्तरदायित्व तो स्वीकार करता है। मतलब वो जो काम करने का संकल्प कर लेता है और जो काम वह करता है उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है, उसका उत्तरदायित्व तो स्वीकार करता है और हर मूल्य चुकाने के लिए तैयार है। मतलब एक बार उसने जो चयन कर लिया, जो निर्णय ले लिया, उसको सही साबित करने के लिए, है ना, उसको उसकी पराकाष्ठा तक पहुंचाने के लिए, पूर्णता तक पहुंचाने के लिए वह हर मूल्य चुकाने के लिए तैयार है। यह उसके अस्तित्व की शर्तें हैं, यह उसके अस्तित्व को प्रमाणित करती हैं, अस्तित्व की शर्तें हैं। शेष सब अमानव हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब जो व्यक्ति यह सब काम नहीं कर सकता, है ना, यदि वह अपना चयन नहीं कर सकता, स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर सकता, चिंता और संतराज से गुजरना नहीं चाहता, और जो अपने संकल्प तथा कर्म के लिए उत्तरदायित्व स्वीकार करना नहीं चाहता, वह अमानव है, वह मनुष्य ही नहीं है, उसका अस्तित्व ही व्यर्थ है। अस्तित्व के बगैर कोई सार नहीं है। अगर कोई अस्तित्व का, किसी व्यक्ति को अपने अस्तित्व का बोध नहीं है तो उसके व्यक्तित्व में कोई सार भी नहीं है। अस्तित्व सार से पूर्ववर्ती है। अतः पूर्व निश्चित मूल्य या आदर्श या कोई बाह्य शक्ति ईश्वर समेत मनुष्य के अस्तित्व का निर्माण नहीं करती।
मतलब मनुष्य अपने अस्तित्व का निर्माण स्वयं करता है, अपने कर्म के आधार पर वो अपने भाग्य का निर्माण करता है। इसके लिए कोई पूर्व निश्चित मूल्य आदर्श या कोई बाह्य शक्ति या कोई ईश्वर कुछ भी नहीं है। यह है वह संगति जिसमें मनुष्य अपनी स्वतंत्रता और वर्ण द्वारा मनुष्य होने यानी अस्तित्व को अर्थ देता है। मतलब मनुष्य अपनी स्वतंत्रता के आधार पर और अपने चयन के द्वारा अपने मनुष्य होने यानी अपने अस्तित्व को सार्थकता प्रदान करता है। जीवन की स्थितियां मनुष्य को ऐसी अवस्था में ले आती हैं कि उसे अपने अनुभव की सीमाएं और दिशाएं निर्धारित करनी पड़ती हैं। मतलब मनुष्य की जो परिस्थितियां होती हैं उसके कारण उसे अलग अलग चीज़ों का अनुभव होता है और उसके अनुभव की कुछ सीमाएं होती हैं और उसी के आधार पर वह अपनी दिशाओं का निर्माण करता है। उसे अपनी समस्त क्षमता तथा शक्ति को प्रयोग में लाना पड़ता है। इस संकट की स्थिति की अनिश्चितता के कारण उसे अपने अस्तित्व की गहराई का बोध होता है और उसका अस्तित्व अपना संकल्प होता है। मतलब जब उसके जीवन में विषम परिस्थितियां आती हैं या फिर जब उसे अपने चयन को पूर्णता प्रदान करना होता है, अपने डिसीजन को पूर्णता प्रदान करना होता है, तब वो अपनी पूरी क्षमता तथा शक्ति को प्रयोग में लाता है। और कभी कभी जब संकट की स्थिति पैदा हो जाती है तब उसे अपने अस्तित्व की गहराई का बोध होता है कि वह उन संकटपूर्ण परिस्थितियों का कैसे सामना करना पड़ता है। और उसका अस्तित्व ही उसका अपना संकल्प होता है जिसको प्रमाणित करता है कि मैं इस समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हूँ, देश के लिए महत्वपूर्ण हूँ, मेरा अस्तित्व बहुत महत्वपूर्ण है और मैं संघर्ष करके सफलता को प्राप्त करूँगा। और इसका वह संकल्प भी लेता है और अपने अस्तित्व को प्रमाणित भी करता है। चयन की स्वच्छंदता अथवा वैयक्तिक स्वच्छंदता ही अस्तित्ववादी दर्शन का प्राण तत्व है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, चयन की स्वच्छंदता, हाउ टू चूज, है ना, किसी चीज का चयन करना, वर्णन करना। और वैयक्तिक स्वच्छंदता मतलब व्यक्ति की स्वच्छंदता ही अस्तित्ववादी दर्शन का प्राण तत्व है, मूल तत्व है। इसीलिए उनके साहित्य में क्या क्या पाया जाता है? घोर अराजकता, उन्मुक्त भोग, यौनाचार, नास्तिकता, असामाजिकता, विज्ञान विरोधिता आदि अनेक अनाचारी एवं अवांछनीय तत्वों की बहुलता पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पर ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है, समाज के जो नैतिक मापदंड समाप्त हो चुके हैं, अस्तित्ववादियों के अनुसार उनका कोई महत्व नहीं है। जो सामाजिक रूढ़ियाँ समाप्त हो चुकी हैं उनका कोई महत्व नहीं है। मतलब धार्मिक और नैतिक और सामाजिक जो परंपराएं हैं, जो रूढ़ियां हैं जिनका व्यक्ति पर नियंत्रण रहता है, वो सभी समाप्त हो चुकी हैं। ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, ईश्वर मर चुका है। इसीलिए क्या है, मनुष्य पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया है। स्वतंत्र नहीं हुआ है बल्कि वह घोर अराजक हो गया है। इसलिए उनके साहित्य में क्या क्या मिलता है? घोर अराजकता, उन्मुक्त भोग, यौनाचार, नास्तिकता, असामाजिकता, विज्ञान विरोधिता आदि अनेक अनाचारी तथा अवांछनीय तत्वों की बहुलता पाई जाती है। पूरे निगेटिव सी चीजें पाई जाती हैं, नकारात्मक। वस्तुतः अस्तित्ववादी जीवन दृष्टि में मनुष्य की समस्या ही सर्वोपरि है। अस्तित्ववाद के अनुसार मनुष्य की जो समस्या है, मनुष्य के जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी सारी चीजें फालतू हैं। उसका ठोस अस्तित्व, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा अपने कार्यकलापों के निर्माण एवं उत्तरदायित्व का स्वतंत्र अनुभव ही वे स्तंभ हैं जिन पर अस्तित्ववादी जीवन दर्शन का महल खड़ा है। मतलब उसकी स्वतंत्रता, चयन करने की स्वतंत्रता, वैयक्तिक स्वच्छंदता, वैचारिक स्वच्छंदता, कार्यकलाप की स्वच्छंदता और उत्तरदायित्व का स्वतंत्र अनुभव, यही वे स्तंभ हैं जिन पर अस्तित्ववाद का स्तंभ खड़ा होता है। साहित्य में यह जीवन दृष्टि पूर्णतः व्यक्तिवादी, आत्म केंद्रित, अंतर्मुखी एवं आत्मनिष्ठ विचारधारा है। मतलब इसमें सिर्फ व्यक्ति के व्यक्तित्व को, व्यक्ति के अस्तित्व को महत्व दिया जाता है, इसलिए पूर्णतः व्यक्तिवादी विचारधारा है जो समाज को नहीं बल्कि व्यक्ति को महत्व प्रदान करता है, जिसमें व्यक्ति आत्म केंद्रित हो जाता है, अंतर्मुखी हो जाता है, आत्मनिष्ठ हो जाता है। मतलब दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, मैं और मेरा व्यक्तित्व, मैं और मेरा अस्तित्व। इसीलिए यह एक प्रकार से आप कहते हैं बहुत ही व्यक्तिवादी विचारधारा है। अस्तित्ववादियों के अनुसार जो कि जीवन निरर्थक है, जीवन का कोई अर्थ नहीं है, जीवन क्षणभंगुर है, जीवन निरुद्देश्य है, इसे जीवन की निरर्थकता के प्रति विद्रोह करने वाले ये सच्चे अर्थों में मुक्त हैं। मतलब जीवन की निरर्थकता है इसके अगेंस्ट जाने वाले, इसके विरुद्ध जाने वाले, जो अपने आप को प्रमाणित करना चाहते हैं कि नहीं, हमारे जीवन का अर्थ है, हमारा जीवन अनमोल है, वे ही मुक्त हैं। जीवन के प्रति विद्रोह अथवा जीवन की निरर्थकता के प्रति विद्रोह से अस्तित्ववादियों का तात्पर्य जीवन के परंपरागत मूल्यों तथा समाज, धर्म, नीति आदि से संबंधित धारणाओं एवं विचारों के प्रति विद्रोह से। जीवन की निरर्थकता से मतलब यहाँ पर क्या है, जो समाज के धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक मूल्य हैं,
एवं उनकी धारणाएं जो विचारधाराएं उनके प्रति विद्रोह से है। अस्तित्ववादी मानव स्थिति को पूर्णतः दुखद मानते हैं, मतलब मानव की जो अस्तित्व है, मानव की जो स्थिति है बहुत ही दुखद है, वह संतरास और दुख से हमेशा गुजरते रहता है। इस दृष्टि से एक घोर निराशावादी है। तो अस्तित्ववादी जो दर्शन है घोर निराशावादी दर्शन है। पीड़ा, दुख, संतरास, एकाकीपन अथवा आत्मनिर्वासन से युक्त जीवन जीना मनुष्य की अनिवार्य स्थिति है। अस्तित्ववादी क्या बोलता है, मनुष्य को पीड़ा से गुजरना पड़ता है, दुख से गुजरना पड़ता है, उसके जीवन में बहुत संतरास है, एकाकीपन है अथवा आत्मनिर्वासन है। आत्मनिर्वासन मतलब खुद से पलायन, ऐसा जीवन जीना उसकी अनिवार्य स्थिति है। अस्तित्ववादी मृत्यु को मानवीय स्थिति की सीमा मानते हैं, मतलब मानवीय स्थिति की एक सीमा है या चरम स्थिति है या पूर्णता है मृत्यु, मतलब मृत्यु आवश्यक है। उनकी दृष्टि से मृत्यु की उपयोगिता है, वह जीवन का शुद्ध तथ्य है, क्योंकि मृत्यु ही मानव जीवन की वह अंतिम सीमा है जहाँ मनुष्य में निराशक्ति का भाव पैदा होता है तथा अपने अस्तित्व का सही ज्ञान भी। अस्तित्ववाद मृत्यु को अत्यंत महत्व प्रदान करता है, अस्तित्ववाद मृत्यु को बहुत ही महत्वपूर्ण मानता है, और अस्तित्ववाद का मानना है कि मृत्यु जीवन की अंतिम सीमा है और वही शुद्ध तथ्य है, क्योंकि मृत्यु के क्षणों में व्यक्ति को अपने अस्तित्व का बोध होता है, अपने सही अस्तित्व का बोध होता है तथा मृत्यु के क्षणों में वह निराशक्त रहता है, किसी भी चीज के प्रति उसके मन में आसक्ति नहीं रहती है। मृत्यु जीवन को पूर्णता प्रदान करती है। अब यह समाहार या कंक्लूजन या उपसंहार है। अस्तित्ववाद विशुद्ध साहित्यिक प्रवृत्ति या आलोचना सिद्धांत नहीं है, मतलब यह कोई यह दर्शन का सिद्धांत है, यह कोई साहित्यिक प्रवृत्ति नहीं है, कोई आलोचना सिद्धांत नहीं है, लेकिन इसने साहित्य को अत्यधिक गहराई से प्रभावित किया है। यद्यपि यह दर्शन का सिद्धांत है, लेकिन यह हिंदी साहित्य या फिर विदेशी साहित्य को बहुत ही गहराई से प्रभावित किया है। ज्यांपाल सार्त्र, सिमोन द बीवा और अल्बेयर कामू जैसे रचनाकारों ने अस्तित्ववाद से प्रभावित होकर कई श्रेष्ठ कृतियां साहित्य को दी हैं। ये बहुत ही फेमस राइटर्स हैं, ज्यांपाल सार्त्र, सिमोन द बीवा और अल्बेयर कामू। तो इन्होंने अस्तित्ववाद से प्रभावित होकर बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं और कृतियां साहित्य को दी हैं। इसके अतिरिक्त कई अन्य लेखकों को भी इस धारा में समाहित किया जा सकता है। इनके अतिरिक्त कई अन्य महत्वपूर्ण लेखक भी हैं, जैसे फियोडोर दोस्तोयेवस्की, फ्रांच काफ्का के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अस्तित्ववाद का प्रभाव रंगमंच पर भी पड़ा, रंगमंच मतलब नाटक पर भी पड़ा। एब्जर्ड नाटक की अवधारणा के मूल में अस्तित्ववादी दर्शन ही है ना, नाटकों का एक प्रकार है एब्जर्ड नाटक, और इस पर अस्तित्ववाद का बहुत ही गहरा प्रभाव है। इस रंगमंच को एंटी थिएटर भी कहा जाता है। अस्तित्ववाद पर आधारित जो रंगमंच है, जो थिएटर है, उसे एंटी थिएटर भी कहा जाता है, एंटी थिएटर या एब्जर्ड नाटक। भुवनेश्वर द्वारा लिखित नाटक तांबे के कीड़े, भुवनेश्वर नाम के एक राइटर हुए हैं हिंदी के, तांबे के कीड़े नाम का उनका जो नाटक है वह एब्जर्ड नाटक का उत्कृष्ट उदाहरण है, अर्थात यह एब्जर्ड नाटक है वह अस्तित्ववाद पर आधारित है। तो तांबे के कीड़े जो है भुवनेश्वर का एब्जर्ड नाटक का उत्कृष्ट उदाहरण है। हिंदी की नई कविता पर अस्तित्ववाद का गहरा प्रभाव है। नई कविता है ना, प्रगतिवाद प्रयोगवाद के बाद जो नई कविता आई थी उस पर अस्तित्ववाद का गहरा प्रभाव है। धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार, भारत भूषण अग्रवाल, कुंवर नारायण, अज्ञेय आदि कवियों में अनास्था, अस्तित्व बोध, मृत्यु बोध, वैयक्तिक स्वच्छंदता, पीड़ा, निराशा, उन्मुक्त भोग आदि अस्तित्ववादी प्रवृत्तियों की अनुगूंज सुनाई पड़ती है। यह जो सारी प्रवृत्तियां हैं ये क्या हैं, अस्तित्ववादी प्रवृत्तियां हैं, और इन कवियों की रचनाओं में ये सारी उभर कर आती हैं, प्रतिबिंबित होती हैं। धर्मवीर भारती का काव्य नाटक अंधायुग, मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे, अज्ञेय के अपने अपने अजनबी तथा कुंवर नारायण की आत्मजयी में अस्तित्ववाद का गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। धर्मवीर भारती का जो काव्य नाटक अंधायुग है आपने पढ़ी होगी, अंधायुग, मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे, अज्ञेय के अपने अपने अजनबी उपन्यास तथा कुंवर नारायण की आत्मजयी में अस्तित्ववाद का गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। इस तरह हमने समझने का प्रयास किया कि अस्तित्ववाद क्या है, अस्तित्ववाद की अवधारणा क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, अस्तित्ववाद कितने प्रकार का होता है, अस्तित्ववाद के मूल बिंदु कौन कौन से हैं। तो आप लोगों ने इस अवधारणा को भलीभांति समझ लिया होगा, और इसे आप मॉडल आंसर के रूप में आप किसी भी परीक्षा में, पीएससी, यूपीएससी या फिर कॉलेजेस की परीक्षा में लिख सकते हैं। और यदि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख कर जरूर बताएँ। साथ ही यदि किसी और टॉपिक पर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो उसको भी जरूर बताएँ।
और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।